बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। आज जो प्रोग्राम जो मुहिबान उर्दू का गज़लों का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जसविंदर सिंह बंटी जी, जो जगजीत सिंह साहब के शागिर्द हैं। पिछले दिनों उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था, तो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। तो हमने सोचा कि भाई उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनको हिम्मत दिलाने के लिए इतने अच्छे सिंगर को हमने ये प्रोग्राम रखा था, तो माशाल्लाह आपने देखा है काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा है। एक ट्रिब्यूट था उनकी बेगम के लिए, और वैसे जगजीत सिंह साहब को भी एक अपने शागिर की तरफ से ट्रिब्यूट था। आहिस्ता आहिस्ता के साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भाविका मर्चेंट ने बिल्कुल जिस तरीके से जगजीत और चित्रा की जोड़ी की हमें एक याद ताज़ा हुई है कि वो 70s का जो दौर था उनका बहुत ही खूबसूरत दौर था जगजीत और चित्रा का। आज वही चीज़ हमारे सामने भाविका मर्चेंट और जसविंदर सिंह बंटी ने पेश की। हमने जिंदगी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह वो आशिना। ये प्रोग्राम मेरे खास दोस्त जसविंदर सिंह बंटी, जो बहुत ही बेहतरीन गज़ल नवाज हैं, गज़ल गाते हैं, जगजीत साहब के शागिर्द हैं, हूबहू उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सुनते हैं आँख बंद करके तो यही लगता है कि जगजीत साहब गा रहे हैं। उनकी वाइफ के लिए एक ट्रिब्यूट हम सभी ने यहाँ पे पेश किया है, और मैं खुद को बहुत ही मतलब भाग्यशाली खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं इस मौके पर यहाँ पर हाजिर हूँ। और आप सभी से भी गुजारिश है कि जसविंदर भाई के लिए आप दुआ करें, और हमारे दोस्त ख्वाजा खतीब साहब और उनके सभी दोस्तों के लिए भी दुआ करें ताकि ऐसे प्रोग्राम आने वाले टाइम में और भी होते रहें। खुदा हाफिज़। आदाब। Okay.
کے سبھی ممبران کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اسپیشل ایک ٹریبیوٹ منعقد کیا میری وائف رویندر کے لیے, اور جتنے بھی لوگ یہاں کے ان کے آڈینس آئے ہیں ان کا بھی تہہ دل شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر میری حوصلہ افزائی کی, میرے دکھ میں شرکت کیا. اور سب سے پہلے میں خواجہ خطیب بھائی صاحب کا تہہ دل شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل ٹائم میں میرے لیے گانا بہت مشکل تھا, میں نے کہا تھا, مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غم سے باہر نکلیں. لوگوں کی دعاؤں سے میں نے کوشش کی, اچھا پروگرام رہا, لوگوں نے پسند کیا, تو میں خواجہ خطیب اور سارے ممبران کا تہہ دل شکر گزار ہوں, انہوں نے اتنا آنر کیا. چھولو تم تصویر کے دو رخ ہیں, جہاں جانتا ہے تم اسے اردو کہو یا کہ محبت کہہ لو. آئیے اس کی حفاظت کریں ہم سب مل کر, کہ زباں ہی نہیں پہچان ہے اپنی اردو. خواتین و حضرات, محبان اردو شمالی امریکہ آپ کا اس محفل میں تہے دل سے استقبال کرتے ہیں.